वो जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका उपयोग कोशिका में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के लिए अनुजो होते हैं वह सरल अणु में परिवर्तित होती है और उस प्रक्रम को आप जानते हैं। अगला पॉइंट श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका उपयोग कोशिका में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने में होता है। हमें पता है कि जो श्वसन होता है वह श्वसन क्रिया में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनका विखंडन होता है और विखंडन के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका उपयोग हम विभिन्न कोशिका में होने वाली क्रियाओं के ऊर्जा प्रदान करने में होता है या विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्यों में ऊर्जा का उपयोग होता है। यह क्रिया श्वसन कहलाती है। अगला पॉइंट श्वसन वायवीय जो अवायवीय होता है वायवीय श्वसन में जीव को अधिक ऊर्जा मिलती है। हमें पता है कि हमारे शरीर में जो कोशिका होती है कोशिका से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। जो श्वसन होता है वह कोशिका में होता है। कुछ श्वसन की क्रिया साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में होती है और बाकी जो चक्र होता है बाकी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो वायवीय श्वसन जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होता है जबकि अवायवीय श्वसन होता है वह साइटोप्लाज्म में होता है। तो श्वसन जो होता है वायवीय भी हो सकता है और अवायवीय होता है लेकिन अवायवीय श्वसन में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट भोजन के अंतर्ग्रहण पाचन योग्य अवशोषण में प्रयुक्त सभी अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। देखिए हमने बात की थी कि जो भोजन का अंतर्ग्रहण पाचन एवं अवशोषण ये क्या होता है हमारे सभी अंगों में एक सामूहिक रूप में होता है जिसको कि हम पाचन कहते हैं। जैसे अंतर्ग्रहण हम भोजन को इंटेक करते हैं फिर उसका हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइम्स के द्वारा उसका पाचन होता है और फिर छोटी आंत में उसका अवशोषण होता है और इसको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। अगला पॉइंट श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका उपयोग कोशिका में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने में होता है। देखिए हमने बात की थी कि जो श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है विखंडन होता है और विखंडन होने से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह एटीपी के रूप में होती है जिसका उपयोग कोशिका में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने में होता है। इस क्रिया को हम श्वसन क्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट श्वसन प्रक्रम में प्रयुक्त सभी अंगों का समूह श्वसन तंत्र कहलाता है। जो श्वसन होता है हमारा उसमें प्रयुक्त अंगों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं श्वसन तंत्र। जैसे हमने चर्चा की थी कि नाक नाक से या लेरिंग्स लेरिंग्स से या ट्रेकिया ट्रेकिया से या ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स और एलुलाई यह रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है और इसको हम प्रमुख रूप से श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी ट्रैक क्यों इसको कहते हैं। अगला पॉइंट विभिन्न पदार्थों का शरीर में संवहन करने में प्रयुक्त सभी अंगों का समूह परिसंचरण तंत्र कहलाता है। देखो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार का परिवहन होता है। हमारे शरीर में कई सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं आवश्यक पदार्थ होते हैं। आवश्यक पदार्थ को कोशिका तक पहुंचाना और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना यह कौन कौन करता है हमारे शरीर में वहन या परिसंचरण तंत्र करता है तो इसको हम परिसंचरण तंत्र। अगला पॉइंट अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन में प्रयुक्त सभी अंगों का समूह उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अपशिष्ट और हानिकारक जो पदार्थ हमारे उपयोग में नहीं होते अर्थात उनको हमारे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है क्योंकि हमारे लिए हानिकारक या उपयोगी होते हैं और उस समूह जो उसमें प्रयुक्त होते हैं उन अंगों के समूह को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अगला पॉइंट
दिया हुआ है परिसंचरण तंत्र में रुधिर हृदय एवं रुधिर वाहिनियां आती है। हमें बताया कि हमारा मुंह के जो परिसंचरण तंत्र होता है या पंपिंग ऑर्गन जो होता है वह कौन सा होता है, हृदय होता है। और हृदय से विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर में रुधिर जो होता है नलिकाओं में या जिसको हम रुधिर वाहिनियां कहते हैं उसमें बनता है। और रुधिर इसका प्रमुख अवयव होता है या इसका माध्यम होता है। तो इस प्रकार यह परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट, उच्च विभेदित पाठकों में जल, खनिज लवण, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन सहवन उपकों का कार्य है जिसमें जाइलम व फ्लोएम होते हैं। जब हमने देखा कि जो बड़े पौधे होते हैं जो कि बहुत विशाल का होते हैं और इनमें विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान या ये हो सकता है विभिन्न पदार्थों का सहवन अर्थात खनिज लवण जल का या पक्षियों द्वारा निर्मित जो खाद्य पदार्थ होते हैं कोई पौधों को विभिन्न मात्रा में पहुंचाने का काम कुछ विशेष रूप से जो स्थायी ऊतक हम कहते हैं नाइन क्लास में इसकी डिस्कस की थी तो वो ऊतकों के द्वारा यह काम किया जाता है जिसको हम सहवन ऊतक जो कि जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट, मनुष्य एवं अन्य बड़े जीवों में उत्सर्जित उत्पाद विलय नाइट्रोजनी यौगिक में विलय के रूप में होता है जिसे हम मूत्र कहते हैं तथा प्रक्रिया व्रत के वक्राणु या जिसे नेफ्रांस द्वारा होती है। हमें पता है कि हमारा जो शरीर होता है मनुष्य और अन्य बड़े जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनका जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं यह नाइट्रोजिनस होते हैं अर्थात इसमें नाइट्रोजन से युक्त कुछ यौगिक होते हैं जो कि इसमें घुलनशील होते हैं और इस घुलनशील विलयन के रूप में इसका उत्सर्जन होता है जिसको कि हम यूरिन कहते हैं। और यह प्रक्रिया यूरिन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह हमारे व्रत या जिसको कि हम नेफ्रांस कहते हैं वहां पे होती है और यूरिन से इनको हटाया जाता है या निकाला जाता है या फिल्टर किया जाता है। अगला पॉइंट, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। हमें पता है कि जो पादप के वायवीय भाग द्वारा जो वाष्प के रूप में जल की हानि होती है वह वाष्पोत्सर्जन अर्थात कि जो रंध्र होते हैं जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रोमेटा कहते हैं इसके द्वारा यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जो कि पादपों के वायवीय भाग यह कहलाते हैं। अगला पॉइंट, वाष्पोत्सर्जन पादपों में जल के नियमन तथा जड़ों द्वारा मृदा से जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है। हमें बताया कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है यह स्ट्रोमेटा के द्वारा होता है और स्ट्रोमेटा हमारे शरीर में यह जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है इसके द्वारा जल का नियमन होता है अर्थात पादप में जो जल की ऑप्टिमम मात्रा बनी होती है यह इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही होता है। और जब जल में वाष्पोत्सर्जित हो जाता है तो पादप क्या करता है कि जड़ों द्वारा जो मृदा में पानी होता है या खनिज लवण होते हैं इनका अवशोषण करता है। तो इस प्रकार से यह क्रिया होती है। अगला पॉइंट, पादप अवशिष्ट पदार्थों का छुटकारा अनेक प्रकार से कर सकते हैं यथा कोशिका रिक्तिका में संचित करना, गोंद या रेजिन के रूप में, गिरती पत्तियों या आसपास के मृदा में उत्सर्जित करके। हमने देखा था कि पादप में जो उत्सर्जन होता है वह इस रूप में होता है जैसे कि कोशिका इनकी जो वैक्यूल्स होती है इसमें ये इसको स्टोर कर लेते हैं या जो गोंद या रेजिन हमने चीड़ की पेड़ पे जो होता है यह गोंद या रेजिन के रूप में इसको बाहर निकालते हैं या जो पत्तियां होती है वह पत्तियों में भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं या यह आसपास की जो मृदा होती है इसमें भी उत्सर्जी पदार्थों को यह निकालते हैं और इस प्रकार से यह उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आपके जो वस्तु यहाँ पे जो आपका अध्याय एक नजर में था इनके यहाँ पे आप समाप्त होता